मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और स्लामर्स करता है। आज का शो मेरा है 279 279 शो, और आज के शो का टॉपिक है मेरा, जो अनुमान है मेरा, जिंदगी तो हल्की फुल्की है। जिंदगी तो हल्की फुल्की है, सारा बोझ खाशों का है, सारा बोझ खाशों का है। तो ये आज का मेरा टॉपिक है, और ये शेर जो है वो शहजाद गिल साहब का है। तो सबसे पहले तलावते कलामे पाक, आज का हवाला जो लिया है वो है पत्रस से, 3 बाप उसकी 15 और 16 आयत से पढ़ूंगा। बल्कि मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे तो उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हलीम और खौफ के साथ, और नियत भी नेक रखो, ताकि बिन बातों में तुम्हारी बदखोई होती है उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हो जो तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लानतान करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो आज का शो, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि 279, और शो का जो टॉपिक है वो भी फिर एक बार पढ़ देता हूँ। जिंदगी तो हल्की फुल्की है, जिंदगी तो हल्की फुल्की है, सारा बोझ खाशों का है। और अगर मैं एक लफ्ज और शामिल कर दूं कि सारा बोझ अनाओं का है, मैं का है, और अगर ये सारी जो हमारी फजूल किस्म की ख्वाहिशें जो के पूरी नहीं हो सकती, और हम उन फजूल किस्म की ख्वाहिशों को पूरा पूरा करते जिंदगी को बहुत ज्यादा बोझिल कर लेते हैं, अपने दिलो दिमाग पर हर चीज पर बोझ डालते रहते हैं। इसलिए हमें उतना ही सब कुछ करना चाहिए जितना के हमने जरूरत है, जैसे जिंदगी पर और हमारे हालात पर बोझ ना पड़े। और आज का खास जो मैंने टॉपिक भी शेर में पढ़ा है, और ज्यादा जो मैंने शायर हजरात उनके एक एक दो दो शेर लिए हैं, जैसे जोन एलिया साहब, फकीर साई, निहाल अनायत गिल हैं, इस टीना विलियम ने एक बहुत खूबसूरत शेर, जॉन मंटो साहब हैं। तो ऐसे मेरे आज की गजल जो है वो है गाफल गिल साहब, ये खालिद इमैनुएल अक्सर इनका कलाम अपनी फेसबुक पे डालते हैं, और आज उनको मैंने शामिल किया है। तो सबसे पहले निहाल अनायत गिल, हम कलाम होता है, बात मुझसे नहीं करता, हम कलाम होता है, बात मुझसे नहीं करता, कितने राज देता है कमरा, ये किताबों का बहुत खूबसूरत शेर, कमरा वो किताबें वो लाइब्रेरी जो निहाल अनायत गिल ने, क्योंकि जो भी शायर हजरात हैं या लिखारी हैं या जिनको पढ़ने लिखने का शौक होता है, उनके घर में लाइब्रेरी छोटी हो बहुत बड़ी हो, वो जरूर अपने घर में लाइब्रेरी रखते हैं, और उस लाइब्रेरी से उन किताबों से फैजियाब होते हैं। तो यही बात निहाल गिल लिख रहे हैं कि हम कलाम होता है, बात मुझसे नहीं करता, कितने राज देता है कमरा ये किताबों का, कि इस कमरे में इतनी सारी किताबें हैं कि उनमें बहुत सारे राज छिपे हुए हैं, वो बात तो नहीं मुझसे करते, लेकिन
जब उनकी जरूरत होती तो मैं जरूर उनको इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि उनमें बहुत सारे राज पोशीदा हैं। और ये पढ़े लिखे लोग और जो जिनको किताब में पढ़ने का शौक होता है वो जानते हैं इन सारे राजों को। तो उसके बाद उर्दू मेरी दोस्त, उन्होंने जून एलिया साहब के बहुत मनफर्द किस्म का शायर है, उसने लिखा है, एक रुख तुमने देखा है अभी तस्वीर का, एक रुख तुमने देखा अभी तस्वीर का, आज उसका दूसरा रुख भी दिखा दो मुझे। एक रुख तो तुमने मुझे दिखाया अपनी तस्वीर का, लेकिन दूसरा रुख भी मुझे दिखा दो। अगर मैं इस तरह से लूं कि मोस्टली ये होता है कि बहुत सारी चीजें हमारे जो बरादरी में या खानदानों में होती हैं, तो जो लोग वो तस्वीर का एक रुख दिखाते हैं आकर, वो सिर्फ अपनी विपता बताते हैं कि हम, लेकिन वो अपनी अच्छाई और दूसरे की बुराई करके दिखाएंगे। लेकिन जब आप दूसरी तस्वीर का रुख देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि असली कहानी क्या है। तो मैं इस शेर को इसी हवाले से लूंगा कि हमेशा तस्वीर को दोनों रुख देखने चाहिए। एक रुख तो अपना कोई आके बता देता है, दिखा देता है, लेकिन जो दूसरा रुख है जब वो सुनते हैं आप, तो फिर पता चलता है कि असली हकीकत क्या है और असली बात क्या है और असली कहानी क्या है। दूसरा शेर जो है वो जान एलिया का, जून एलिया का, तुमको अपनाया था तुमको छोड़ भी सकता हूं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, तुमको अपनाया था तुमको छोड़ भी सकता हूँ, बुत बनाता नहीं हूं तोड़ भी सकता हूं, बिल्कुल ये तो मुझ पर या आप पर बात है कि आप किसी से दोस्ती लगाते हो अच्छे तरीके से, जरूरी नहीं कि आप किसी बुरे ख्याल से दोस्ती रखते हो, चाहे लड़की लड़के की हो, आदमी औरत की हो, किसी बुजुर्ग की हो, किसी से भी दोस्ती लगाते हो आप, तो जब आप उससे दोस्ती लगाते हो या उससे अपनी दोस्ती कायम करते हो, तो तुमको अपनाया था तुमको छोड़ भी सकता हूं। और जब आपने उसके साथ दोस्ती की तो कुछ ना कुछ हालात पैदा हुए के वो कहते हैं कि मैं आपको छोड़ भी सकता हूँ, बुत बनाता हूँ बुत तोड़ भी सकता हूँ, मैं अगर दोस्ती लगा सकता हूँ तो दोस्ती तोड़ भी सकता हूँ। अगर हालात तो वाकयात के तहत ये सब कुछ होता है कि दोस्त अगर अच्छा है, अच्छा चल रहा है, तो फिर उसको क्या जरूरत है दोस्ती, फिर तो दोस्ती निभाते जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं तो जैसे बुत बनाता ही नहीं हूँ तोड़ भी सकता हूँ, बिल्कुल कि हम किसी भी हालात में जब तस्वीर का दूसरा रुख देते हैं तो फिर हम उस दोस्ती को तोड़ भी सकते हैं। उसके बाद फकीर साईं, चाहे जितना भी दिल बहलाओ, चाहे जितना भी दिल बहलाओ, तुम भी धोखा तो खाओगे साईं, चाहे तुम कितना भी दिल बहलाओ तुम भी धोखा तो खाओगे साईं। एक चिड़िया दिखाई नाई ने, एक चिड़िया दिखाई नाई ने और जान से मैं आगे साईं, बिल्कुल हम अक्सर जो ऐसे हमारे हालात होते हैं कि हम दिल बहलावे की बहुत बहुत सारी बातें दूसरों के सामने कर देते हैं, उनको जान से देने के लिए उनको बहुत बहुत चीजें, बहुत बहुत सब्ज बाग दिखा देते हैं, और इस और फिर भी एक चिड़िया दिखाई ने और जान से मैं आगे। कई बार जाहिर है कि हम जो अक्सर लोग होते हैं वो दूसरों को बहुत सब्ज बाग दिखाते हैं अपने मतलब के लिए, अपने किसी काम के लिए, और साई ने जैसे कहा है कि उनको वो उनके झांसे में आ जाते हैं उनकी बातों में। वो तो शेर लिखने वाले लिखते हैं, वो शेर हम सब पर लागू होता है, तो इसलिए कि लोगों के झांसे में ना आए, मैं ये भी कहूं कि लोगों को जो सब्ज बाग दिखाते हैं उनके झांसे में नहीं आना चाहिए, बड़ी सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी इतनी हल्की फुल्की नहीं है,
जिंदगी बहुत सारी मुश्किलात का मजमुआ है। जब जिंदगी शुरुआत हो जाती है तो फिर पता चलता है कि जिंदगी की मुश्किलात क्या है, और जिंदगी को हल्का फुल्का बनाने के लिए हमारी जो ख्वाहिशात हैं, जो ख्वाहिश है जो हम नहीं कर सकते उसको कम करना चाहिए। इसी वजह से हम दूसरों को झांसे में ना आए। ये बहुत 3-4 शेर लिए हैं साईं जी के। मैं इनको अक्सर साईं जी कहता हूं क्योंकि उनका जो हमारे मुल्कों में साईं होते हैं, पता नहीं जब शो करता हूं तो गला भी खराब होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे बोलता हूं। दूसरा शेर है उनका, बंद है। पहले होती थी एक बीमारी, पहले होती थी एक बीमारी, पहले होती थी एक बीमारी, अब मुकम्मल वबा बल्द में है। कम सनों को संभाल कर रखिए, शहर में जिनसे हवस की जर में है। रोज सब खबरें तो बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ी और बुरी खबर की आज भी थी, रोज होती है कि किसी कमसन को उसके साथ जिनसी ज्यादती करके उसको गला घोंट दिया, मार दिया। ये पता नहीं किस चीज की वबा है, इससे क्या मिलता है इन लोगों को, ये किसने इनको सबक सिखा दिया कि छोटी छोटी उम्र के बच्चों बच्चियों से आप जिनसी तल्लुकात करें और ज्यादती भी करें और उनकी जान भी ले ले और उस माँ की गोद भी खाली कर। क्या इससे बड़ा कोई इस दुनिया में और जुर्म हो सकता है? और ये वबा, ये जो चीज है, ये हमारे मुल्क में दिन दिन बढ़ती जा रही है। उसकी एक खास वजह मैं यह भी कहूंगा कि जो भी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत खास तौर पर, जिस सूबे में या जिस शहर में जिस जिले में ये काम होता है वो उन पर तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा हाथ बांध देते हैं दूसरों के कि उनको को पकड़ने की जरूरत ही नहीं कर देता। या जैसे हमारे मुल्क की पुलिस बदनाम है, वो पैसे ले लेती है, माँ बाप की बात में सुनती नहीं। हालांकि इतना बड़ा जुर्म है कि अगर मैं कहूँ, लोग भी कहते हैं, फेसबुक पे आता है कि अगर उनको चरवाहे में खड़े करके सरेआम फांसी देनी चाहिए, गोली मार देनी चाहिए। तो ऐसे 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 घिनौने जुर्म हमारे मुल्क में हो रहे हैं और उनकी सजा पाके फिर भी दूसरे लोग उनसे सबक नहीं सीखते। 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के हवस के लिए आप एक जान भी ले लेते हैं और अपने आप को भी और माशरे को भी गंदा कर देते हैं। बहुत खूबसूरत साईं जी, और हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए अपने कमसनों का, बच्चों का, बच्चियों का। ये कौन माँ बाप है जो ख्याल नहीं रखते? लेकिन फिर भी ये जुर्मदार लोग ऐसे होते हैं कि फिर भी ये जुर्म करने से बाज नहीं आते। लूटने वाले तुझे माफ किया था लेकिन अब तेरा वाहिद शरीर नहीं होता मुझसे। लूटने वाले जो भी, अगर जैसे जब पैसे मैंने, वो तो माफ करने वाली बात नहीं, किसी और लिहाज से, दिल लूटने के हवाले से या धोखाधड़ी से ही आपसे कुछ भी लूट लिया तो आपने उसको माफ कर दिया। और जो दूसरी बात है वो बहुत अच्छी कि अब तेरा वह शनिदा नहीं होता मैं, अब जब माफ कर दिए तो आप मुझे इतनी नसीहत या इतनी बातें बताने की जरूरत नहीं, बस ठीक है माफ कर दिया। तो फिर जब कोई माफ, फिर हम उसकी गुवाहियां अपने पास से बातें अपने भी, यार ये मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे ये गलती, बस जब माफ कर दिया तो बस उसके बाद खत्म। ज्यादा जो लेक्चर या ज्यादा नसीहत या ज्यादा बातें मैं नहीं अब आपकी सुन सकता। तो उसके बाद जो मैंने पहले बताया था कि गाफिल गिलसप भरलीन की जो काफी कलाम खालिद इमैनुअल साहब लिखते हैं, डालते हैं,
क्योंकि कलाम तो इनका होता है गाफिल, गिल साहब गिल भाई है, तो लिखते हैं, कौन सिकंदर बाजी हारा पूछ ना रंजन जाने दे। रंजन तो आप रांझे से है, लेकिन मैं यहाँ कहूँ कि रंजन दोस्त के नाते पर या दोस्त के हवाले से उन्होंने इस्तेमाल किया। कौन सिकंदर बाजी हारा पूछ ना रंजन जाने दे, किसकी आंख से बिछड़ा तारा पूछ ना रंजन जाने दे। बहुत खूबसूरत शेर, क्योंकि कौन बाजी हार है ये ना पूछो अपने दोस्त से, या हम सबको अजीजों अकारब को दोस्तों को कह रहे कि कौन कौन सा सिकंदर है जो बाजी हार गया, इसकी बात मत करो, मत पूछो, किसकी आंख से बिछड़ा तारा पूछ ना राजन तारे दे। किसकी आंख से, किसकी माँ, किस माँ के, किस माँ बाप का जो तारा बिछड़ गया। बेटा बेटी अगर इसमें है बात ऐसे ले लूं, वो गाफल साहब ने कैसे लिखा है, चूंकि मेरे शो में जरा तशरीह जो फर्क हो जाती है, तो किसका बिछड़ा, जैसे अभी फकीर साईं का जो शेर मैंने पढ़े, कम सनों को और जिन माँ बाप के बच्चों के साथ जिनसे ज्यादती करके ये हाल कर दिया जाता है, पूछ ना रंजन जाने दे कि उनके साथ क्या हुआ, ये मत पूछो, किसने आस का दामन छोड़ा, किसने तोड़ा दिल मेरा, किसने आस का दामन छोड़ा, किसने तोड़ा दिल मेरा, किसने पहला पत्थर मारा, पूछ ना रंजन जाने दे। ये पत्थर वाली बात तो आप जानते हैं, उस हवाले से भी ले लो कि जब खुदा यीशु मसीह के सामने किसी औरत को उस वक्त के यहूदियों ने, फरीसियों ने लाकर उसको पत्थर मारना चाहते हो, उसको बताया कि ये, तो उसने कहा कि जिसने गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, और सब भाग गए। यही हवाला मैं समझता हूँ, किसने पहला पत्थर मारा पूछ ना रंजन जाने दे, किसी को नहीं पता किसने पहले कोई पत्थर मारा या पहल की, ये ना पूछो मेरे दोस्त, इस बात को भूल जाओ। किसके शहर की गलियां दिन भर सुनी सुनी रहती हैं, किसके शहर की गलियां दिन भर सुनी सुनी रहती हैं, किसके घर में है अंधियारा पूछ ना रंजन जाने दे। किस शहर की गलियां सुनी सुनी रहती हैं, उजड़ी उजड़ी रहती हैं, और किसके घर में है अंधियारा, किस घर में अंधेरा है, किस घर में बत्ती नहीं जल रही, किस घर में कोई परेशानी है, इस हवाले से भी ले लो, क्योंकि हमारे मुल्क में तो पता ही नहीं चल रहा किस वक्त क्या हालात हो जाएंगे। कल या परसों की बात, खबर पढ़ रहे टीवी पे देख रहे कि एक 3 साल बच्चा किसी ने गाड़ी से कुचल दी, तो पता तो नहीं चल रहा। और जिस घर का चिराग गुल हो गया तो उस घर में तो अंधेरा छा ही गया ना, अंधेरा ही अंधेरा है, गलियां सूनी होगी एकदम, अफसुरदा हो जाता हर कोई, किसी के घर का चश्मो चिराग हो जाए चला जाए। तो मैं अगर इस हवाले से भी ये शेर को ले लूं तो बुरा मत मानना, किसने जंगल बेले छाने, किसने तलाश किया चाहत को, किसने जंगल बेले छाने, किसने तलाश किया चाहत को, किसने छोड़ा साथ हमारा पूछ ना रंजन जाने दे। किसने जंगल कहाँ, जंगल बेले छाने, जंगलों में या कितने मुश्किलात में ये सारी खाक छानी है, किसने तलाश किया चाहत को, किसने ये सारी मुश्किलें उठाकर मोहब्बत के लिए तलाश किया, अच्छे हालात को, अच्छी मोहब्बत को, सुकून को तलाश किया, किसने छोड़ा साथ हमारा, किसने, जिसके लिए हमने इतने जंगल बेले खाक जानी, किसने छोड़ा साथ हमारा, कौन था वो, उसका मुझसे मत पूछो, क्योंकि वो बेवफा था, उसने छोड़ दिया मुझे। किसने करिया करिया गाफल जाकर दीप जलाए थे, किसने करिया करिया जाकर, गाफल तखल्लस है, गाफल गिल नाम ही है, तखल्लस भी है, किसने करिया करिया गाफल जाकर दीप बुझाए थे, किसने राह किया उजियारा भूल
बोझ ना जाने दे, किसने राग किया उजियारे को बोझ ना जाने दे, किसने करिया करिया गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर गाफल दीप जलाए, रोशनी की प्यार की रोशनी मोहब्बत की रोशनी की, किसने राख किया किसने घर जलाए, राख किया उजियारे को पूछना रंजन जाने दे। तो लब्बे लबाब यही है कि जो भी मुश्किलें वो अपने दोस्त को कह रहे हैं कि मत पूछो कि किसने ये सब कुछ जो किया है। तो मैं गाफिल साहब को या खालिद इमैनुएल साहब से माफी मांगता हूँ, कुछ गलतियां या किस हवाले से लिखा गया, लेकिन मैं तो अपने शो के हवाले से ही जो है वो इसका ज्योतिश्री करता हूँ। उसके बाद एम कृषि की बहुत खूबसूरत पोस्ट, मैंने कल भी ये पढ़ी थी, बना सरकारी नौकरी के दौरान हराम की कमाई, सरकारी नौकरी के दौरान हराम की कमाई से बनाया हुआ बंगला, कारें, बैंक बैलेंस, जुल्म, ज्यादतियां और रिटायरमेंट के बाद जब ये सारा कुछ कर लिया, बैंक बैलेंस बना लिया, हेरा फेरी लोगों पर ज्यादतियां कर ली, तो फिर उसके बाद रिटायरमेंट जब होती है, और ये सच्ची बात आप भी देखते हो, तो उसके बाद सफेद टोपी सर पे आ जाती है, हाथ में तस्बीह और मस्जिद की पहली साफ में हमारे मुल्क की एक तलख हकीकत है। ये दोस्तों ये बिल्कुल ये हमारे मुल्क की एक तलख हकीकत है कि जब रिटायरमेंट और सारा कुछ बना लिया तो फिर हाथ में तस्बीह भी आ जाती है, हज करने को भी चले जाते हैं, और वो जिंदगी जो उन्होंने जुल्म किया, ज्यादतियां किया, लोगों से रिश्वत ले लेकर बैंक बैलेंस बना लिए, तो फिर वो तस्बीह हाथ में पकड़ लेते हैं कि अपनी गलतियों गुनाहों की माफी मांग लिए। कि शेख सादी ने फरमाया, ये टीना विलियम साहब की पहली पोस्ट में शेर पढ़ रहा हूं, चलती फिरती हुई आंखों से अजां देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अजादे की है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी माँ की देखी माँ को देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी है, मैंने जन्नत तो किसने देखी है, किसी ने जन्नत नहीं देखी। अगर जन्नत का हमें कोई खौफ नहीं है, हमें जन्नत का कोई खौफ नहीं, अगर जन्नत का खौफ हो तो हम इतने जुल्म और जबर और ज्यादतियां कमसिनों के साथ, ज्यादतियां छोटी बच्ची के साथ ज्यादतियां, हमें कोई फिक्र नहीं। लेकिन जो आखिरी लाइन है, मैंने जन्नत नहीं देखी माँ देखी है, कि मेरा जो तस्वर है कि माँ ही जन्नत है, जैसे अक्सर एक बात है कि माँ के पाँव में जन्नत देखी है, प्यार देख लिया तो मैंने जन्नत देख ली। उसके बाद जो है शेख सादी ने फरमाया, किसी को इतना प्यार दो कि गंजाइश ना छोड़ो। बिल्कुल ठीक बात, 100% ठीक बात, किसी को इतना प्यार दो कि गंजाइश ना छोड़ो, अगर अगर वो छोड़ो, अगर वो भी तुम्हारा ना बन सके, अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं बल्कि वो जरूरत का पुजारी है, और आजकल की मोहब्बत दोस्ती जो कुछ भी है वो सिर्फ इसी बात की है कि लालच की, कोई ना कोई लालच है, इस वजह से वो आपसे दोस्ती कर रहा है। और जो भी आपने किया, आपने जो कुछ उसके साथ किया, जब आपको यह पता चल दे कि वो तुम्हारा तुम्हारी कोई बात नहीं मान रहा, तो समझ जाओ क्योंकि वो मोहब्बत का तालबगार नहीं, वो जरूरत का तालबगार है। क्या जरूरत है ये तो उसको ही पता, बहरहाल जरूरत सबसे बड़ा लालच, कि जब आपके हालात अच्छे होते हैं या आपसे कोई भी जरूरत हो तो फिर आपकी दोस्ती, तो फिर वो मोहब्बत का तालबगार नहीं, वो लालच का तालबगार है। उसके बाद जान मंटो ना, उसके बाद फिर टीना विलियम के दो पंजाबी शेर है,
जदों जदों वद अरूज मिले, जदों जदों जिथों जदों वद अरूज मिले, नहीं रेंदे लोग औकात दे विच, नहीं रेंदे लोग औकात दे विच, कोई गैरतमंद कशगोल नहीं चुकदा, कोई गैरतमंद कशकोल नहीं चुकदा, भावे तख्त मिले खरैद दे विच, जदों जदों भी जिन्नू भी अरूज मिलदा है वो नहीं रेंदे, वो लोग औकात विच नहीं रेंदे। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗਾਉਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰੂਜ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕਸ਼ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਮਿਲੇ ਖੈਰਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਤਖ਼ਤੋ ਤਾਜ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਅੱਛੀ ਅਨਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜਾਨ ਮੰਟੋ ਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਤ ਟੀਵੀ ਪਰ ਕੈਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਬਰਾਏ ਮੁਖਾਲਫਤ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਨੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਨੋ ਇੱਕ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨਕੋ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਵੋ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ, ਕਿ ਆਜ ਯੇ ਹਕੂਮਤ ਗਿਰ ਜੇ ਤੋ ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਮੇ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲੇ ਤੋ ਫਿਰ ਹਮ ਆਪਣੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਵੋ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਮੁਖਾਲਫਤ ਮੇ ਬੇਪਰਕੀ ਉਡਾਨਾ, ਘਟੀਆ ਪਹਿਨੇ, ਐਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸਮ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤੀ ਵੋ ਘਟੀਆ ਪਹਿਨੇ, ਕੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਤੇਂ ਕਰਨਾ ਵੋ ਘਟੀਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਤੋ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਹੀਂ ਕਹੀਂ ਕਿ ਚਸ਼ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਚਸ਼ਮ ਦੀ ਵਾਕਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜਾਨ ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਮਨ ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸਟ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਰਹੇ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਰਹੇ, ਫਕਤ ਪੈਸੇ ਕੀ ਆਨੀ ਜਾਨੀ ਦੇਖੀ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕੀ ਆਨੀ ਜਾਨੀ ਦੇਖੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਅਜਬ ਅਜਬ ਠਹਿਰੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਅਜਬ ਠਹਿਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਟਰੀਓ ਮੇ ਜੋ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਮੋ ਮੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀਓ ਮੇ ਵੀ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਓ ਮੇ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਲੋਕ, ਵੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਤਾ ਕਾਮ, ਸੁਬਹਾ ਕੀ ਸ਼ਿਫਟ, ਫਿਰ ਦੋ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਪਾਲਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੇ ਦੌਰ ਮੇ ਤੋ ਵੋ ਯਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਵੋ ਵੀ ਅਜੀਬ ਠਹਿਰੀ, ਨਾ ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਬਚਪਨ ਦੇਖਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੋ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾ ਹੁਆ ਦੋ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟੇ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਬ ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ, ਉਨਕੇ ਵੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਉਨਕੋ ਗੋਦ ਮੇ ਠਾ ਕਰ ਵੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਾ, ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ, ਨਾ ਬੀਵੀ ਕੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਸੁਬਹਾ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਤ ਕੋ ਆਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਵੀ ਵੀ ਸੋ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਬਹਾ ਵੋ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਿਫਨ ਪਕੜਾ ਖਾਣੇ ਕਾ ਔਰ ਡੱਬਾ ਪਕੜਾ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਡਬਲ ਡਿਊਟੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਧੀ ਰਾਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਆਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇਖੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਜਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਜਨਾਨੀ ਕੋ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਦੇਖਣਾ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਉਸਕੋ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਕੇ ਬਦਲੇ ਔਰ ਕਿਆ ਦੇਖਣਾ ਹੋਗਾ,
तो बाकी तो एक तरफ, बाकी तो एक तरफ बेगम को भी सोया हुआ पाया। आधी रात को अपने घर वैरानी देखी, जब आधी रात को अपने घर में आया वापस नौकरी से, तो वैरानी जाहिर है स्कूल सब सो रहे, बच्चे सो रहे, बीवी सो रही है, मोहल्लेदार भी सो रहे हैं, तो फिर मोहल्ले में और घर में वैरानी। और ये हकीकत है कि ऐसी नौकरियां, और आजकल खास तौर पर क्योंकि जमाना इतना इतना महंगा हो चुका है, इतनी महंगाई होती जा रही है, तो फिर नौकरियां तो दो दो करनी पड़ेंगी, या हमें बाहर जाना, फिर भी बच्चों को नहीं देखना, तो जब वापस आना तो बच्चे तो जवान हो चुके होंगे, पता भी नहीं होगा कि ये हमारा अब्बा है अभी कि नहीं है, क्योंकि उसमें उनको तो पता है अम्मी का जो उनको खाना देती है और अब्बा खाना भेजता है। तो आजकल का दौर कुछ ऐसा ही। पास्टर सलीम बशीर साहब लाहौर से हैं, तीन रिश्ते दुनिया में बेनकाब हो जाते हैं, बहुत अच्छे है, तीन रिश्ते दुनिया में ही बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, बिल्कुल ठीक बात है। फिर पता चलता है कि जिनके लिए अपने फैक्ट्री में नौकरी की दो दो तीन तीन शिफ्टे की, अब जब बूढ़े हो गए तो फिर पता चलता है कि जिनके लिए आप ये नौकरी कर रहे थे, अब जब आप बूढ़े हो गए बुढ़ापे में आ गए, तो फिर औलाद का पता चलता है कि जिनके लिए आपने दिन रात नौकरी की, अब आपकी खातर वो करते हैं। मुसीबत में दोस्त, बिल्कुल ठीक, आप जब मुसीबत आ जाती, तंगी तकलीफ आ जाती है, बीमारी आ जाती, तो फिर दोस्त का पता चलता है, और दोस्त भी वक्त के उसी वक्त होते हैं जब आपके हालात अच्छे हैं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं, तो हर कोई दोस्त भी बनता है। और जब आप गिर पड़े, सरफराजी चली गई, अरूज चला गया, ज्वाल आ गया, तो फिर दोस्त का पता चलता है। और आखिरी बात उससे भी खूबसूरत है कि गुर्बत में बीवी, बिल्कुल एक आप जैसे, मैंने वो एडमन भट्टी कैथलिक मैंने पोस्ट पढ़ी है, तो उसमें यही बात जो है लिखी है एडमन भट्टी साहब की, कि दिन रात नौकरियां कर कर आपने बीवी को पैसे ला कर दिए सब कुछ, और जब आप जाहिर बीमार हो गए तो किसी काबिल नहीं, फिर बीवी का मोहब्बत का पता चलता है कि अब मेरी बारी आई तो मेरी बीवी क्या करेगी। बहुत खूबसूरत पोस्ट। उसके बाद अरबाब अनवर, उन्होंने लिख बहुत अच्छे लिखते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, उन्होंने लिखा जो दुआ मैं अपने दोस्त के लिए करता हूँ, जो दुआ मैं अपने दोस्त के लिए करता हूँ, वही दुआ मैं अपने दुश्मन के लिए भी करता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात, अब दुआ तो हमें हर एक के लिए, अपने दुश्मनों के लिए भी करनी चाहिए, बल्कि उनके लिए ज्यादा करनी चाहिए, हाथ उठा के करने चाहिए कि खुदा बाप इनको अकलौतना ही दे, ताकि ये भी अच्छे प्यार को अच्छे काम करने वाले बने। जो सजा दे मुझे उसका हक है, जो मर्जी सजा दे, लेकिन मेरा काम उसके लिए दुआ करना है। क्यों ना चुमा फोटो तेरी दिल पर चांदी, बहुत अच्छे रबाब साहब, क्यों ना चुमा फोटो तेरी दिल पर चांदी है, जिथे जिथे जावा मेरे नाल नाल जांदी है। जाहिर है प्यार जो कर दे ओनू, तो फिर तस्वीर जिहड़ी भावे हो हकीकत च है, तुसा तस्वीर दिल च रखी है, तो ओनू तुसा दिल पर चांदे हो, तो फिर ओनू नाल नाल ते रखना ही पैना है। बहुत अच्छा शेर लिखा बहरल, क्यों ना चुमा फोटो तेरी दिल पर चांदी है, कि मेरे दिल नू खुश कर दिए, पर चांदी है हर वले मैं ओदी तस्वीर नू वेख के खुश रहना, ते जिथे जिथे जाना वा मेरे नाल नाल चाहिए। अगर प्यार दी गल है, हकीकी प्यार है, अच्छा प्यार है, किसे दा भी है, असी बेटे दा है, बेटी दा है, बहू दा है, ते अगर असी हकीकत वो प्यार करन, वो साढ़े नाल नाल ही हर वक्त रहिंदे ने, लेकिन अगर यह प्यार असी अपने यीशु नाल करिए, ते ओदे नाल तो वड्डा प्यार ही कौन है, और ओदी तस्वीर ते दिन रात भी चुमिए, ते वो कट नहीं, बहुत अच्छा। उसके बाद एक और शेर है, जिस संग दिल ने मेरा निशेमन जला दिया, जिस संग दिल ने मेरा निशेमन जला दिया,
वो बेवफा है, क्यों ना कहूं उसको बेवफा। देखो जिसने मेरा घोंसला मेरा घर जला दिया, तो मतलब दिल की बात है ना कि मैंने उसके साथ दिल लगाया और उसने तो मेरी इतनी बड़ी बेवफाई कर दी कि मेरा घर ही तबाह हो गया, घर ही जल गया। वो बेवफा क्यों ना कहूं, क्योंकि मैं वो बेवफा क्यों ना कहूं उसको बेवफा। तो जाहिर है जब बेवफा है तो उसको बेवफाई कहना, और इससे बड़ी बात तो कोई नहीं। तो बहुत खूबसूरत रबाब अनवर खोकर साहब। उसके बाद आरफ नकीब परवेज नकीब कराची से, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे शायर। प्यार की कीमत पूछो पूछ के तुमने मेरे होंठ ही सी डाले, प्यार की कीमत पूछ के तुमने मेरे होंठ ही सी डाले, तुम बतलाओ तुमने पेड़ को साया बेचते देखा है, तुम बतलाओ तुमने पेड़ का साया बेचते देखा है। मैंने तो ऐसे तुमसे पूछ लिया अभी प्यार की कीमत, हालांकि प्यार की क्या कीमत, प्यार की कोई कीमत नहीं थी, सच्चे प्यार की, अच्छे प्यार की, खलूस की, दोस्ती की, अच्छी दोस्ती की कोई कीमत। तो नकीब साहब कह मैंने कीमत पूछ ली और तुमने मेरे होंठ इसी दिए, तुम बताओ कभी पेड़ ने अपना साया बेचा है कि कभी दरख्त ने वो अपना साया बेचता है। इसी तरह कि मैंने भी तुमसे सच्चा प्यार किया तो मैं तुम्हारे प्यार को कैसे भूल सकता हूँ। दूसरा शेर उन्होंने लिखा, मैंने क्या कहा था यूं ही बिछड़ने का तस्करा, मैंने किया था यूं ही बिछड़ने का तस्करा, और उसको जैसे कोई बहाना मिल गया, और उसको मैंने ऐसे एक बात ऐसे जिक्र कर दिया बिछड़ने का, और उसको एक बहाना मिल गया और वो छोड़कर चला गया या चली गई, उसको तो बहाना। और ये हकीकत है, दूसरे लफ्जों में मैं लूं तो हम तो हर वक्त किसी ना किसी बात के लिए कोई ना कोई बहाना तलाश करते रहते हैं, कोई बहाना मिले तो मैं इसको छोड़ू या इसको जलील करूं या इसको बदनाम करूं, क्योंकि ये हमारी आम सी बात है। उसके बाद उर्दू मेरी दोस्त, ये पोस्ट है, और शफाक अहमद को कौन नहीं जानता, बहुत अच्छी बात, बहुत नसीहत वाली जिंदगी की बातें लिखती हैं। अपने माजी को अफसोस के बगैर कबूल कीजिए, अपने माजी को अफसोस किए बगैर कबूल कीजिए, हाल का एतमाद से सामना कीजिए और मुस्तकबिल के लिए तैयार रहिए, यही कामयाबी की कुंजी है। बिल्कुल, अपने माजी को अफसोस के था, कैसा माजी था, अच्छा था बुरा था, माजी तो मेरा भी आपका हर एक का, जैसे भी आप बुजुर्ग होंगे सब कुछ, तो फिर माजी भी भूलना पड़ेगा आपको, अच्छा था या बुरा। अच्छा तो नहीं भूल, लेकिन कुछ बुराइयां भी होती हैं जिंदगी में, गलतियां गुनाह भी की होते हैं, लेकिन हमें उनको भूल कर उस मालिक के साथ अपना दिल लगाना चाहिए ताकि माफ करे और हम माजी को भूल जाएं। और हाल का इत्माद के साथ सब, बिल्कुल हाल कैसा जा रहा है, बड़े पूरे इत्माद से बड़ी दिलेरी से उसका मुकाबला करना चाहिए, और मुस्तकबिल के तैयार रहिए, यही काम, क्योंकि मुस्तकबिल तो आखिरी मुस्तकबिल जो है वो कब्र है, जब हमने ऊपर जाना है, और हमने मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल कभी भी, मौत से हर कोई घबराता है लेकिन मौत तो एक हकीकत है जिसको आना ही आना है, तो इसलिए हमने मुस्तकबिल के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उसके बाद मिल्टन मुमताज मेरे भाई अमृत नगर से हैं, जिगर जिगर हो जाएगा छलनी ये आंखें खून रोएंगी, जिगर हो जाएगा जल छलनी ये आंखें खून रोएंगी, वसी से वसी बेफैज लोगों से, वसी शायर है तखल्लुस भी है, वसी बेफैज लोगों से नबाब कर कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल, बहुत अच्छा शेर डाला मेरे भाई ने। तो आप बेफैज लोगों से, बेवफा लोगों से, मतलबी लोगों से आप जब दोस्ती लगाते हैं तो उनसे कुछ नहीं मिलता, वो बेफैज लोग होते हैं, उनकी कोई कदरों कीमत नहीं होता। जिगर हो जाएगा छलनी ये आंखें खून रोएंगी, आप
इतने शुद्ध आपका दिल जिगर परेशान उछलनी हो जाएगा जब आप गलती से या जानबूझकर किसी बेवकूफ से बेफैज लोगों से जिनको किसी की नेकी की किसी की कोई कदर नहीं, तो फिर वो आपके आंखें भी रोएंगी दिल भी छलनी होएगा बसी बेफैज लोगों से नभा कर, बेफैज लोगों से दोस्ती लगाकर या उनसे भलाई का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद यूनस फ्रांसिस सोत्रा साहब के बहुत अच्छे दो शेर, उसकी अब पड़ गई है आदत मुझको, उसकी अब पड़ गई है आदत मुझको अच्छी लगती है उसकी आदत मुझको, क्योंकि उसकी जब हमें आदत पड़ जाती है खुदा के सामने जाने की, दिल से दुआ करने की, इस पाक कलाम को पढ़ने की आदत बढ़ जाती है, तो फिर आपको अब आदत बहुत अच्छी लगती, फिर वाकई आपको कि वाकई खुदा है और हर चीज को आप जब मानना शुरू कर देते हैं फिर आपका दिल सिर्फ दुआ में इबादत में ही लगता है। जीवन के इस कड़े सफर में अक्सर सुकून रहती है उसकी चाहत मुझको, सुकून देती है उसकी चाहत मुझको। इस जिंदगी के मुश्किल सफर में जो भी हम जिंदगी जब शुरू करते हैं मुश्किलात, जिंदगी नाम ही मुश्किलात के, तो इस जिंदगी के कड़े सफर में मुश्किलात की जो आती सफर है तो सुकून देती है वो जाते लाही, वो जाते पाक हमें सुकून देती है, क्योंकि हमें जब आदत पड़ जाती उसकी इबादत करनी फिर बहुत सारे रास्ते, आपका माजी भी भूल जाता है, हाल ठीक हो जाता है, मुस्तकबिल तो उसके हाथ में, लेकिन जब तक भी आप इस जिंदों की जमीन पर जिंदा है इस खूबसूरत शेरों के साथ वाकई सैमसन सोत्रा साहब जो यूके में है, यूनस फ्रांसिस सोत्रा साहब ने बहुत खूबसूरत और हमें सबको उसकी आदत डालनी चाहिए आदत करने की। और हमें जो जो मेरा टॉपिक है जो आज के शो का, जिंदगी तो हल्की फुल्की है, जिंदगी तो हल्की फुल्की है, सारा बोझ काशियों का है, हम सिर्फ उसकी इबादत में अगर गुजारे उसकी बंदगी में गुजारे तो हमारी जो फजूल किस्म की जो खाशे हैं, फजूल किस्म की हम जो तवक्कोआत रखते हैं वो हम जिंदगी में बहुत हमारी मुश्किलें पैदा करते हैं। इसलिए हमें जिंदगी को आसानी आसान रखने के लिए सबसे पहली बात तो उसकी इबादत करनी चाहिए, उसके साथ राबता रखना चाहिए, जिंदगी और भी आसान हो, क्योंकि फिर उसका हाथ जो है ना वो आपके ऊपर रहेगा, तो आपको किसी किस्म की कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे ये एक शेर मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि शोर लंबा हो रहा है, नहाल अनायत गिल ने बड़ा अच्छा, सज्जा हाथ वधा मैनू बरकतां दे, सज्जा हाथ वधा मैनू बरकतां दे, यसु सुन ला दुआ मैनू बरकतां दे। और सच्चा हाथ साढ़े उत्ते रख सकता है, अगर वो सच्चा हाथ बधाएगा साढ़े उत्ते बिल्कुल नहीं, अगर असी गैर जरूरी खाशा छड़ दईए ओदी खाश करिए, यसु सुन ला मेरी दुआ, सुन ला दुआ मैनू बरकतां दे, तो यसु हर हाल च बरकतां सानू देंदा है, अगर असी सच्चे दिल ना उन्नू मनिए कबूल करिए तो सानू बरकतां देंदा है। तो अज दे शो दा जेड़ा भी टॉपिक सी कैसी अपनी जिंदगी नू हल्का फुल्का रखने वास्ते नजायज किस्म का बोझ अपनी जिंदगी में ना डाले और इस बात को यकीन करके वो अपना दाना हाथ हमारे ऊपर रखता है। अगर वाकई हम वो तो दाना हाथ हमारे ऊपर हर वक्त रखता है, क्योंकि अगर जिंदगी में मैंने क्या नहीं किया लेकिन उसका दाना हाथ मेरे ऊपर था और मुझे चलते चलते कहां तक ले आया, क्योंकि उसका दाना हाथ मेरे ऊपर था। और हम सबके ऊपर रह सकता है, हम जिंदगी में बहुत सारे वक्त आता है कि हम हर चीज भूल जाते हैं, खुदा को भी जिंदगी, लेकिन
अगर उसका हाथ ना हमारे ऊपर हो तो हमें बरकतें कभी नहीं मिल सकते। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आज मोना नदीम ने मुझे ज्वाइन किया, मेरी बहन जी ने, बहुत खुशी हुई बेटा आपको देख के। क्या आप मामू का शोक देख रही हैं? खुदा बरकत दे आपको, आपके बच्चे को। खुदा आप सबको बरकत दे और हमेशा खुश रखे और अपना दाना हाथ आप हम सबके सिरों पर रखे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।